साथियों, हम पेज छोड़ने वालों में से नहीं, हम नया अध्याय लिखने वालों में से हैं। हम देश के सामर्थ्य, यहां ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है। हम देश के सामर्थ्य, देश के संसाधन और देश के सपनों पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देशवासियों के बेहतर भविष्य के लिए देश में उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देश को पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉमिसेस के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ ले जा रहे हैं। चुनाव है तो नई रेल लाइन का ऐलान कर दो, चुनाव है तो नए हाईवे का ऐलान कर दो, चुनाव है तो कर्ज माफी का सपना दिखा दो, चुनाव है तो गरीबी हटाओ का नारा उछाल दो। ये देश बहुत देख चुका है, लंबे अरसे से यही देखता आया है। साथियों, पहले की सरकारों के समय हमारे यहां सैकड़ों ऐसी नई ट्रेनों का ऐलान किया गया और पार्लियामेंट में बोली गई हुई हर बात की एक सेंसिटिविटी होती है। पार्लियामेंट में बोला गया और तालियां, टेबल थपथपाए गए और सब एमपी ने अपने इलाके में जाकर के भी घोषणा कर दी कि हमारे इलाके में ट्रेन आने वाली है। और आप हैरान होंगे, बहुत सारा ऐलान किया गया, बहुत ट्रेनों का ऐलान किया गया, लेकिन एक भी ट्रेन शुरू नहीं हुई। और मैं 30-40 साल का हिसाब दे रहा हूं। मैंने आकर के कुछ तो ऐसे घोषणाएं देखी जो 30-40 साल पहले हुई है, लेकिन कागज पे वो रेल लाइन की पटरी कहां होगी ये कागज पे भी पेंट किया हुआ नहीं है जी। जमीन की बात छोड़ो, आप हैरान हो गए आज मुझे 30-30, 40-40 साल पुराने लाखों करोड़ के रेलवे और हाईवे के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की मशक्कत करनी पड़ रही है। उस समय जो किया गया, क्या वो बेटर टुमारो के बारे में सोचकर किया गया? जी नहीं। कोई सरकार हो, केंद्र की या राज्य की, उस पर यह दबाव होना चाहिए कि उसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि यह दबाव हमने खुद आगे बढ़कर अपने ऊपर लिया है। आप पत्थर पैर पर पड़, ये मैं कर रहा हूं खुद जो करके। आज देखिए, मीडिया में जितने विषयों पर हमारी आलोचना होती है वो सारे विषय हमने सेट किए हुए हैं। हमने कहा है कि हम ये करना चाहते हैं तो कोई हमें पूछेगा, भाई बताओ क्यों नहीं हुआ। और अच्छी बात है, ये दबाव जरूरी है। एक नए कल्चर को हमने प्रमोट किया है, लेकिन इसी ने, और मैं मानता हूं ये रिजल्ट देने का रास्ता यही है, दबाव बढ़ेगा, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेगी और लोगों का बेटर टुमारो सुनिश्चित करने में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। साथियों, देश के बेटर फ्यूचर की चिंता थी, इसलिए ही हमने देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। और अब उतनी ही शक्ति से हम जल जीवन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी ऐसी चीजें हैं, पिछले 50 साल में नहीं हुआ तो किसी ने पूछा नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा है तो मुझे हर दिन पूछा जाएगा कहां तक किया। लेकिन क्या ये करना जरूरी था कि नहीं था? मैं भी टाल सकता था, मैं भी बच के निकल सकता था, वो रास्ता मुझे मंजूर नहीं है। आने वाले वर्षों में करीब करीब 15 करोड़ घरों को
पानी की सप्लाई से जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी तरह आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए जुटा हुआ है। ये लक्ष्य अर्थव्यवस्था के साथ साथ 130 करोड़ भारतीयों की औसत आय, उनकी ईज ऑफ लिविंग और उनके बेटर टुमारो से जुड़ा हुआ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार एनेबलर, फैसिलिटेटर और प्रमोटर की भूमिका पूरी ताकत से निभा रही है और साथ साथ हम रिफॉर्म एंड परफॉर्म के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के फिजिकल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने से लेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने तक 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों की समाप्ति से लेकर रूल्स और प्रोसीडर्स में सिंप्लीफिकेशन तक हम हर दिशा में एक साथ काम कर रहे हैं।